साथियों, जनसंघ और बीजेपी के जन्म का मूलतः उद्देश्य यही था कि हमारा देश सुखी और समृद्ध कैसे बने, और इसी मूल प्रेरणा के साथ, भारतीयता की प्रेरणा के साथ, सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीति में आए। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है, यथा यथा शत्रुणे तुष्णेय, यथा यथाय तुष्यत तथा संतोष ये तुम। अर्थात जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोष है। इसी भावना से गरीबों के प्रति, इसी समभाव और ममभाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने कठिन समय में सेवा ही संगठन का इतना बड़ा अभियान चलाया है। आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे सच में बहुत अचरज हुआ। मुझे मालूम था कि कोरोना काल में आप निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद था और ये बीमारी कभी भी हमारे गले पड़ सकती है, ऐसा भय का माहौल था, लेकिन आपने समर्पित भाव से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं किया है। आप उनका सहारा बने हैं, उनके साथी बने हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है। किसी ने मास्क बनाकर लोगों में बांटे, किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया, तो किसी ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया। कितने ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने तो 2, 4, 10 गरीबों को एक तरह से अपने परिवार का ही सदस्य बना लिया। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उससे ज्यादा करने की कोशिश की। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का उदाहरण, अपने घर से रोज 500 परिवारों के लिए खाना बनाना और पहुंचाना, और वो भी 3 महीने तक, ऊपर से नीचे तक, यही हमारे संस्कार रहे हैं। और इतना सब करने के बाद भी छोटे मोटे तो लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया। कहां सबकी तस्वीर टीवी पे आई है, कहां सबका नाम अखबार में छपा है, कहां अपने गांव के बाहर कौन जानता है। फिर भी सेवा परमो धर्म, निस्वार्थ भाव से काम करते रहना,